हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रीना स्वीट होम एंड किचन में। और आज मैं क्या बना रही, रिक्वेस्टेड वीडियो है मोमोज। तो मैंने सारी तैयारी कर लिया है, आटा गूंथना बाकी है। आटे में मैंने नमक मिला दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आज मोमोज बन रहा है, मज़ा आ जाएगा खाने में। तो दिखाती आपको क्या क्या मैंने तैयारी किया है। ठीक है, और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है इसलिए बना रही हूँ। अगर आप लोगों को भी कुछ चाहिए हो, कोई रिक्वेस्ट हो, तो ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए भी बनाऊंगी। और एक रिक्वेस्ट हूँ, मिल नहीं रहा है, शायद लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन फिर भी शायद सामान आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो नहीं मिल रहा है। तो जैसे मिलेगा तो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उनके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो ये बहुत पहले से रिक्वेस्ट आ रखी थी मोमोज की, तो आज मैं वो बना रही हूँ, मज़ा आ जाएगा। ये मैदे का आटा गूंथ रही हूँ मैं, तो जैसे गेहूं का आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथना है, कोई खास नहीं है। लेकिन कोई कोई कैसे नहीं जानते हैं, जैसे कोई बच्चा नहीं जानता है, कोई न्यू कपल होती है, नई शादी होती है, उनको नहीं पता, तो जैसे गेहूं का आटा गूंथते हैं बस वैसे ही गूंथा जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए आप, इसको गूंथ लीजिए और इसको फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। तो बस मैं इसको गूंथ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मोमोज तैयार करने वाली हमारी गुड़िया रानी है, मोमोज तो मैं भी बना रही हूँ, लेकिन मतलब ये बोली मम्मी मैं जो ये वेजिटेबल काटे हैं उनको छोंक लगा देती हूँ। तो बच्चों को भी साथ में लेके करते रहना चाहिए ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत आ जाए। पढ़ाई के साथ साथ कुकिंग भी बहुत ज़रूरी है, और अगर बच्चों का मन है तो साथ में ज़रूर लेना चाहिए। तो देखो ये तड़का लगा रही है और इसमें डाल दिया है तेल, वो दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डाला है। लहसुन डाल दिया है, थोड़ा सा आप तेल डालिए, अगर आप इससे भी कम तेल यूज करते हो तो 1 टेबल स्पून तेल आप डाल सकते हो। और गार्लिक के साथ हमने ये जिंजर भी डाल दिया है, दोनों ब्राउन। अब हम ये ऑनियन जो हमने काट के रखे थे वो भी डाल दें, और इनको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा छोटे कर लेंगे। अभी हम ये इसमें कैरेट भी डाल दिए हैं, ये हमारा लहसुन प्याज जो था सब ब्राउनिश हो गया। कैबेज भी डाल रहे हैं हम, तो कैरेट डाल चुके हैं, कैबेज डाल रहे हैं। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग वेजिटेबल डाल सकते हो, इसमें शिमला मिर्च भी है, कैबेज भी है। तो शिमला मिर्च और कैरेट हमने क्रश कर लिया था। वैसे आपको पता है ना मैं क्या क्या डाले, लहसुन प्याज अदरक और कैबेज, वो पकड़ लो बेटा, और शिमला मिर्च, ये सब है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक है और ये थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, क्योंकि हम हरी मिर्ची डाल रहे हैं इसलिए मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। आप लोग डाल सकते हो, अगर चिली ग्रीन चिली खाते हो तो डालना, अगर नहीं तो रेड चिली पाउडर आपके ऊपर है। तो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे बच्चा नहीं खाता है, तो जो हरी मिर्च खाता है वो हरी मिर्च जरूर ऐड करना है, इसमें अच्छा लगेगा बहुत अच्छा। और ये डार्क सोया सॉस डाल रहे हैं, डाल दो। ये चिली सॉस डाल रहे हैं, ये भी आप अपने स्वाद के साथ से डालना, अगर आपको तीखा ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो डालिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। ये देखिए रेडी हो गया है, अच्छे से पक गया है। तो आप भी इस तरह से तैयार करना, आप इसकी हम स्टफिंग करेंगे तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये आटे को मैदे को अच्छे से खूब गूंथेंगे, इसलिए खूब गूंथेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए अंदर से। और फिर जब सॉफ्ट हो जाता है, चाहे आटा रोटी का हो चाहे कोई भी हो, तो बहुत अच्छा होता है। और मैदा तो वैसे भी पता ही आपको कितना ये होता है, तो इसको अच्छे से गूंथेंगे, वो 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद और अच्छे से उसको गूंथेंगे। देखो गाइस, ये डो रेडी हो गया है, मम्मी ने 5 मिनट के रेस्ट पे रखा था, तो अभी ये डो रेडी हो गया है। अभी फिर स्टफिंग करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज करेंगे वो दिखाएंगे। ये देखो इतना आटा ले लेना, उसको ऐसे मसल लेना, अच्छे से उसको अच्छे से मसल लेना ऐसे। और फिर पेड़े के जैसे जितने पेड़े होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे आप
निकाल लेना। इसको निकाल के ऐसे पेड़े जैसे बना के रख देंगे तो अब ईजी हो जाएगा फटाफट आपको बेलने में। ऐसा अब मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। तो आप इसको इस तरह से बेल लेना। चाहो तो चोखा भी, क्या होता है जो चकला चोखा जो भी बोलते हैं उसे आप बेल लेना। तो ये देखिए मैंने एक ऐसा बड़ा सा इसको हमने बेल लिया है ताकि बहुत इजी हो जाए। आप ऐसे कटोरी ले लेना कोई और इसको इस तरह से काट लो। देखो एक रेडी हो गया, फिर ऐसे करेंगे दो रेडी हो गया, और फिर अगर इसमें होता है तो तीन, तीन हो गया। एक बार में तीन निकल गया आराम से। बस इनको सिर्फ आप ऐसे उठा लीजिए, ये देखिए निकाल लीजिए, बस ऐसा हो गया। तो बस इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, दिखाती हूँ अभी। आप चाहो तो ऐसे आटा या मैदा आप रख सकते हो इस पर थोड़े से छिड़कने के लिए। मैं बेल लेती हूँ, देखो ऐसे बेल लेते हैं छोटे छोटे आकार में, और इतना मतलब बेलना कि मोटा ना रहे और ज्यादा पतला भी ना रहे, ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। हाँ ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। अगर मोटा रहेगा तो फिर मैदे का ही स्वाद आएगा। ये हमारा हो गया है, अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए हमने भर लिया है एक स्पून, और फिर हम इसको पानी लगाएंगे। नहीं पानी भी लगा सकते हो आप, नहीं भी लगा सकते हो, और इसको ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हो। ऐसे ऐसे देखो, अगर आप दोनों हाथ से करना चाहो दोनों हाथ से कर लो, एक हाथ से करना चाहो तो एक हाथ से कर लो, जिसको जैसा टैलेंट हो। और फिर इसको मोदक के जैसा, ये देखिए आप ऐसे से इसके ऐसे, ये कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे कर सकते हैं। ये दूसरा है, ऐसे आप तैयार कर सकते हो। और ये ऐसा स्पून से आप लीजिए, और फिर यहां से ऐसे पकड़िए। आप पानी चाहो लगाना तो लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रही हूं क्योंकि ऐसे भी हो जाता है। ये देखिए बस कुछ नहीं करना है, एक अंगूठे से ऐसे से खींचते जाना ऐसे ऐसे, और ये हो जाएगा पैक। और फिर इसको पकड़ के इसके मुंह को ऐसे दबा देना। मोदक बनाना जिसको आता है उसको तो बहुत अच्छा, और इसमें अलग अलग भी ये होता है। और सबसे इजी तरीका बताऊं मैं आपको, ये देखो हो गया, देखिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है अगर हाथ से नहीं बनाना तो इजी तरीका बताती हूँ। ऐसे समोसे का सांचा ले आना, और ऐसे जो गुजिया की होती है ना फिलिंग करने के लिए, इसमें भी डाल के आप बना सकते हो, आप इसमें भी डाल के बना सकते हो। कैसे भी इसका कोई आकार नहीं है, अपने मन से आप डाल सकते हो। लेकिन हाँ मोमोज लोगों को बहुत शौक है मोमोज का, तो वही डिजाइन ढूंढते हैं। अगर आप चाहो तो उस तरह से कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका बता रही हूँ कि अगर आपको डिफिकल्ट ना हो किसी चीज में तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। और जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से भी आप ट्राई करना। तो चलो मैं और बाकी जो बच्चे उसको फटाफट रेडी करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखो इसमें मैंने आटा लगा लिया हल्का सा मैदे का, आप चाहो तो गेहूं का भी आटा लगा सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ इजी तरीका, ये देखो ऐसा डाल लिए, उसके हिसाब से आप बेल लो। एक सेकंड ना, थोड़ा छोटा और है, इसको ऐसे लंबा कर लो। अगर सांचे से बना रहे हो तो ऐसे लंबा कर लो, और फिर इसको प्रेस कर दो ऐसे दोनों साइड में। और अब इसमें ऐसे भर दो, अब ये देखिए थोड़ा सा पानी लगा, आप यहां से पानी लगा लो ऐसे, ताकि ये इसमें पानी लगा लेना ऐसे किनारी में। और फिर इसको ऐसे जोर से ऐसे जोर से ऐसे जोर से करके प्रेस, और ये जो साइड के आटा है साइड का वो ऐसा निकाल लो, इसको ऐसा करो। फिर ये देखो देखा, आप इसको फ्राई भी बना सकते हो, तेल में फ्राई भी कर सकते हो, और वैसे तो सबसे बेस्ट है स्टीम दे के। ये ऑयल में तो खाते ही रहते हैं ना। देखो समोसा हमारा, चाहे इसको मोमोज कह लो चाहे समोसा कह लो, मिनी समोसा कह सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये वो बच्चों के लिए है
जिन्हें समोसा खाना है तो इस तरह से मोमोज कह लो, समोसा कह लो, कुछ भी कह लो। अच्छा बनाना इजी है ना। ये देखो रेडी हो गया है, ये दुकान ये नया डिश। तो ये मोमोज रेडी हो चुके हैं, इसको अभी मैं स्टीम में रखूंगी ये। और ये मैंने मतलब जल्दी बन जाए, जिसको नहीं बनाना आता है तो उसके लिए बताया है, ठीक है। तो उसको स्टीम के लिए रखते हैं। अब ऐसे पानी को रख देना, पानी गर्म हो जाए, तो उसमें ऐसी कोई छन्नी हो तो वो रख देना। पानी जब गर्म हो जाने के बाद छन्नी में ये एक एक करके आप रख सकते हो, और फिर इसको ढक देना। ये देखिए गाइज मेरा मोमोज हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइज तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये देखो इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा बने, देखो स्टफिंग भी बराबर है, बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह से ट्राई करना घर पे और बनाना और बताना कि कैसा बना। तो ये आप लोगों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो यूट्यूब पे मेरे वो, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए। ये मेयोनीज और ये सॉस के साथ। हाँ ये मेयोनीज है और ये सॉस है। तो जो जिसको और किसी को कुछ नया डिश चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, लव यू।